हेलो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ट्रिमर का। तो बेसिकली ये ट्रिमर जो है रिचार्जेबल नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट आप केबल से चला सकते हैं। तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राज टेक टॉल्क यूट्यूब चैनल। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिस सबसे पहले मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये है हमारे पास बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरीके का ये ट्रिमर है। इसका मॉडल नंबर जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है और वाटेज भी मेंशन किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे इसका मॉडल जो है दो मॉडल में आता है, तो यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अंदर जो बेसिकली रेड कलर का जो है ट्रिमर है, तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स पैकिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नीचे डिटेल जो है मेंशन किया गया है, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो आपको मिलने वाला है एक ये ब्रश मिल जाएगा, एक ऑयल की कैन मिल जाएगी छोटी सी, एक ब्रश साफ करने के लिए मिल जाता है। तो ये QR कोड है कुछ यहाँ पे, तो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरह का पैकिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस बॉक्स को हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं और इसका ब्लेड जो है देखते हैं किस तरह का अंदर देखने को मिलता है। तो फ्रंट लुक इसका देख सकते हैं कुछ इस तरह का, यहाँ पे मॉडल जो है लिखा गया है RLC8011। तो कुछ इस तरह का यहाँ से ओपन कर लेंगे हम इसको। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया इसको, और बाहर निकालने के बाद देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, बॉक्स को रखते हैं साइड में, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है और ये आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहिए। तो देख सकते हैं बॉक्स के अंदर जो हमारे पास ये आपको एडजस्टेबल ब्लेड मिल जाता है, जिससे आप नंबर सेट कर सकते हैं, एक नंबर, दो नंबर, जीरो। जीरो करने के लिए आपको ब्लेड हटाना पड़ता है। और ये कुछ इसकी केबल है जो इसके अंदर अटैच रहती है, लगी रहती है, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसको साइड रखते हैं और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये एक तेल की छोटी सी कैन मिल जाती है, जिससे आप ब्लेड को फ्री कर सकते हैं, ब्लेड अगर जाम हो जाता है तो। और एक छोटा सा यहाँ पर ब्रश मिल जाता है, जिससे आप इजीली इसमें जो हेयर आते हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि साफ़ कर सकते हैं। और एक यूज़र मैनुअल, इसकी जरूरत है नहीं, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो यूज़र मैनुअल हमारे किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे कुछ डिटेल भी मेंशन किया रहता है, वैसे तो चाहे तो आप देख सकते हैं, चाहे तो इसको साइड रख सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट हम साइड कर लेते हैं, और इसमें और कुछ है नहीं, और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास ये ट्रिमर बेसिकली रेड कलर का है, और रॉक लाइट की यहाँ पे ब्रांडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कुछ इसके नीचे ऑन ऑफ स्विच लगे हुए हैं, और ये गोल्डन कलर का एक डिज़ाइन है। बैक साइड में देख सकते हैं इसका होलोग्राम लोगो, और यहाँ पे वाटेज जो है वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे AC 210 वोल्ट से लेकर 220 वोल्ट तक चलता है ये। और यहाँ पे ब्लेड देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कॉपर का ब्लेड जो है कॉपर डिज़ाइन में दिया गया है, और रॉक लाइट कंपनी का बेसिकली क्वालिटी जो है अभी नया नया निकला है, तो कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिल जाता है। ब्लेड की क्वालिटी मुझे बेसिकली पर्सनली बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा, बस इस मोटर में एक कमी है, मैं वीडियो को एंड में आपको बता दूंगा। और कुछ इस तरीके का इसका प्लग है, देख सकते हैं प्लग भी इसका थोड़ा सा टेढ़ा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पिन जो है इसकी टेढ़ी है। तो वायर का क्वालिटी जो है ठीक ठाक ही है, उतना अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही लो क्वालिटी का भी नहीं कर सकते, पर ठीक ठाक क्वालिटी का है इसका वायर। और कुछ इस तरह का इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, तो ये जो मोटर है बेसिकली 3 वाट का होता है इसमें, और ये डायरेक्ट AC से वर्क करता है, इसमें रिचार्जेबल सेल नहीं लगता है, इसके अंदर आप सेल नहीं लगा सकते। तो इसका जो है बेसिकली देखा जाए तो इसका साउंड जो है काफ़ी अच्छा रहता है, मैं वीडियो में आपको चेक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि लाइट जो है अभी चली गई है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो मैंने फिलहाल अभी इस वीडियो को एमरजेंसी लाइट मैंने ऑन कर रखा है, तो मैं वीडियो को शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि बिजली अभी जो है कटी हुई है, तो मैं इसको आने वाले वीडियो में आपको चेक करके बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।